अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल फूड जंक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बनाएंगे गोभी के पकौड़े। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक गोभी। इसे मैंने अच्छे से धोकर इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है और नमक के पानी में भिगो कर रखा है। और मैंने लिया है 1.5 कप बेसन, 3/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून दाल का मसाला, थोड़ा सा अजवाइन, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून चाट मसाला और ज़रूरत के हिसाब से पानी। अब सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए एक बर्तन में लेंगे बेसन, इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, दाल का मसाला, अजवाइन और ज़ीरा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका थोड़ा गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए घोल तैयार है। अब इसे 5 मिनट के ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, अब गोभी को पानी से निकालकर इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। अब इस बैटर को एक बार अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ हमने तेल को गरम कर लिया है। अब गोभी को इस बैटर में कोट करके फ्राई कर लेंगे। शुरू में इसको धीमी आंच पर सेकेंगे। ये देखिए, अब गैस मीडियम करेंगे और इसको सेक लेंगे। ये देखिए, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। ये ठंडे हो गए हैं, अब इसे इस तरह से एक प्याली की मदद से दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से, अब इन्हें एक बार फिर से फ्राई करेंगे। अब इसे मीडियम गैस पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इसके ऊपर से चाट का मसाला डालेंगे। अब इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी चाट का मसाला डालेंगे। ये देखिए, गरम गरम गोभी के पकौड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।